मेरे चैनल पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो हाय फ्रेंड्स, पुष्पलता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाई हूँ इंडियन स्टाइल पास्ता। तो मैं कैसे बनाई हूँ आपको बताती हूँ, और ये बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही सारे वेजिटेबल के साथ मैंने बनाया है। तो देखिए हमें क्या क्या चाहिए, मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मैक्रोनी को पहले बॉयल कर लिया है और इसको मैंने छान लिया है, ये मैंने इसको ले लिया है। और इसके बाद मैं इसमें क्या क्या वेजिटेबल यूज़ किए, मैंने ग्रीन चिली लिया है, ऑनियन लिया है, गार्लिक और टोमेटो चॉप करके लिया है, और कैप्सिकम, और ये सारी सब्जियां मैं लूँगी। मैंने कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गरम करके जीरा ऐड कर दिया है, और उसके बाद इसके अंदर मैं गार्लिक ऐड करूँगी। गार्लिक ऐड करते करके फिर मैं थोड़ा गार्लिक हो जाएगा, फिर इसके अंदर मैं ऑनियन को ऐड करूँगी। ऑनियन को ऐड करके हमें इसको भूनना है, और थोड़ा भून के उसके बाद फिर हम इसके अंदर वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे, और जितना हो सके उतना अच्छे वेजिटेबल्स को हम लेंगे। ये मैंने टोमेटो को चॉप करके ले लिया, टोमेटो केचप ले लिया, ये भी मैं उसके अंदर ऐड करूँगी साथ में। अब मैंने कैरेट को ऐड कर दिया है इसके अंदर, और कैप्सिकम को भी ऐड कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ा पकने तक भूनूंगी और उसको थोड़ा कवर करके पका लूँगी। अब हल्दी मसाले अपने में इंडिया जो मसाले हम घर में यूज करते हैं वही मसाले हमें ऐड करना है इसके अंदर, और ये मैंने चिली पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी को ऐड कर दिया है। अब इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। अच्छे से मिक्स करते हुए मुझे इसको पकाना है, और फिर ये मैं जो केचप को ऐड करूँगी मैं इसके अंदर और मिक्स कर लूँ। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसको पकाना है, और इसको अच्छी से थोड़ी ग्रेवी जैसा हो जाएगा। इसको फिर हम अच्छे से पका के, फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा बनता है और इसमें एक अपना इंडियन स्टाइल फ्लेवर होता है। और इसको सब इस तरह से कवर करके हम इसको पका लेंगे। तो देखिए अभी हमारी सब्जियां भी थोड़ी अच्छे से हो गई हैं और ये अच्छे से पक गई हैं। उसको थोड़ा दबा दबा के मैं इसको ऐसे मैश कर दूंगी ताकि ये अच्छे से हो जाए। फिर इसके अंदर हमको मैक्रोनी को ऐड करना है। इस तरह से हम मैक्रोनी ऐड करके मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें मिक्स करना है, और हम साल्ट स्वाद के अनुसार साल्ट ऐड कर देंगे और उसको मिक्स करेंगे, और थोड़ी देर कवर करके 1-2 मिनट तक और हम इसको पका लेंगे। उसके बाद मैं सर्व करूँगी। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है, देखिए इस तरह से मिक्स करके फिर हम इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर हम सर्व करेंगे। अभी हमारी इंडियन स्टाइल फ्लेवर पास्ता रेडी है, और हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और सर्व करेंगे इसको। फ्रेंड्स रेडी है मेरा मैक्रोनी, इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, और आपको, आपके बच्चों को, सभी को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ आप लोग के साथ। तो फिर तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर।